न्यू पेंशन स्कीम एसोसिएशन अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आक्रामक रुख अपनाने जा रही है। एसोसिएशन ने 3 मार्च को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान प्रदेश भर में 1,00,000 कर्मचारी विधानसभा के बाहर पहुंचेंगे और पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। इसके अलावा 23 फरवरी को मंडी से पैदल यात्रा आरंभ होगी, जिसके संदर्भ में बुधवार को कार्यकारिणी की बैठक शिमला में आयोजित की गई। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला शिमला कार्यकारिणी की बैठक शिमला में आयोजित की गई, जहां बैठक में रणनीति तैयार की गई। जिला शिमला के अध्यक्ष कुशाल शर्मा ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। तपोवन में भी कर्मचारियों ने विधानसभा का घेराव किया था, जिस पर सरकार ने कमेटी बनाने की बात कही थी। कमेटी तो बना दी गई, लेकिन आगे इसमें कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 30% कमेटी में MPS के कर्मियों को लेने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक कोई शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला से पैदल यात्रा शुरू की जाएगी और 3 मार्च को लाखों कर्मचारी विधानसभा बजट सत्र का घेराव करेंगे। ये जो आज बैठक हो रही है, जैसे पहले भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को परिचित है कि हमारी अभी मंडी में राज्य स्तरीय बैठक हुई, जिसमें उस बैठक की आवश्यकता ये इसलिए हुई थी क्योंकि जब विंटर सेशन धर्मशाला में चल रहा था, उस वक्त हमारी बहुत बड़ी रैली जिसमें 35,000 से ऊपर का कर्मचारी वहाँ पे NPS का आया और मुख्यमंत्री जी ने हमें वार्तालाप के लिए बुलाया और उन्होंने जो है एक मुश्त जारी ये जो है बयान भी दिया और लिखित रूप में भी दिया कि इसके पुरानी पेंशन की बहाली को संदर्भ में एक कमेटी का गठन किया गया और उसके पश्चात उस कमेटी के गठन के पश्चात कोई भी जो है एक कदम भी सरकार आगे नहीं चली और इसीलिए हमें भी चिंतन जो करना पड़ा। मंडी में हमने बैठक बुलाई कि हमें आगे क्या करना है और उस दिन तय हुआ कि 23 फरवरी को मुख्यमंत्री जी के गृह जिला से हमारी एक पदयात्रा निकलेगी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर जी और महासचिव भरत शर्मा जी उनके नेतृत्व में, और वो शिमला तक बिलासपुर और सोलन होते हुए शिमला तक पहुंचेगी और 3 तारीख को यहाँ पर जो बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें कम से कम प्रदेश का 1,00,000 से ऊपर का कर्मचारी यहाँ पर पहुँचने वाला है, वो इस रैली का भी जो पदयात्रा निकलेगी उसका भी हार्दिक स्वागत करेगा। और इस बीच अगर जैसे मुख्यमंत्री जी कर्मचारी देशी माने भी जाते हैं, कभी कभी फैसले अच्छे भी ले लेते हैं, अभी 2009 की अधिसूचना इन्होंने जो है पिछले कल अपने कैबिनेट में उसकी मंजूरी दी, उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये 2000 की अधिसूचना थी ये NPS पॉलिसी की ही एक मेरिट थी, तो जिसको सरकार ने वंचित करके रखा था। तो इसलिए जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो दैट इज ओनली टू रिस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ओल्ड पेंशन को स्कीम को लेकर के अगर मुख्यमंत्री जी इस बीच जो है घोषणा करते हैं, और हमें उम्मीद है वो करेंगे, अगर वो करते हैं तो जो ये पदयात्रा हमारी निकलेगी वो उनके सम्मान में ही होगी और जो 1 तारीख का यहाँ पे सॉरी 3 मार्च में जो यहाँ पे बहुत बड़ी जिसमें 1,00,000 से मोर देन 1,00,000 एम्प्लॉयज थ्रू द स्टेट यहाँ पर असेंबल होंगे, वो मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करेंगे और पुरानी पेंशन अगर बहाल होती है उनके सदैव कृतज्ञ कार्य भी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।